फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दक्ष है। अभी सुबह का समय मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी गायों को पानी वगैरह पिला के अभी गाय रिलैक्स कर लिए बैठ गई है। और आज हमारा शुक्ला भी कट रहा है, जो हमारे मेरे पापा के दोस्त है पंजाब से आते हैं हर बार, हरियाणा से, और वो शुक्ला काटते हैं हमारे हर बार, इस बार भी वही आए। तो अभी आपको दिखाते हैं, पहले फार्म दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर दिखाते चलते खेत में नायरा को घुमाएंगे। पहले आपको दिखाऊंगा रीपर कट रही है, अभी चल रहा है रीपर। उसके बाद वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारी दोनों हीपर हैं, ये दोनों भी मस्त अभी खा पी के अभी बैठ जाएंगी। उन सबको हीपर उनको कर दिया है कंप्लीट, तो मैंने इसको बांध दिया गाइस यहाँ पर। और नायरा को भी खाना वगैरह मम्मी ने दे दिया था, इनको भी हमने निराव दे दिया। अभी ये दिख रही है पानी के लिए मुझे, कि पानी पिला दो भाई, प्यास लग रही है। और ये बंदा हमारा वरदान, भाई वरदान की शॉर्ट वीडियो तो देख ली आज, ये देख लीजिए आप, मतलब ये 10 महीने का बच्चा है कुल, बहुत चीज़ है। और हमने इसको परसों नहलाया, आपने शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। और पूरा ब्लैक है गाइस, बस सिर पे थोड़ा थोड़ा सफ़ेद चांद है इसके, इधर ये सफ़ेद है थोड़ा सा। और इसको भी निराव दे दिया हमने, खारिया ही देते खारिया, और मतलब दूध अभी मतलब 1 लीटर के समथिंग दे रहे हैं। और यहाँ पर बंदा हमारा राजा बुल, वो अभी यहाँ पे आपसे देख सकते हैं, यहाँ पर सामने रीपर चल रही है। और यहाँ पर जो है ये जो रीपर में जो पत्तियाँ लगी रहती है टूट चुकी है, तो अंकल अभी बदल रहे हैं। ये पापा के दोस्त हर बार आते हैं, तो इस बार भी यही आए, तो यही काटते हैं हर बार हमारे कसला। तो अभी ये ऐसे बदल जाती है पत्तियाँ, ये सब टूट चुकी हैं, तो ये निकाल रहे हैं, तो ये बदल रहे हैं। तो इसको कंप्लीट करके रख लिए, ताकि इसको जो बाद में टूटे तो लगा दें, ताकि रीपर रुके ना, चलती रहे, इसलिए सारी लग चुकी हैं ये नट वगैरह सब लाते हैं। तो यहाँ पर बरसीम कट रहा था, मैं आया था पानी देने पापा को, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस, वहाँ पर बेचते हैं डेरी पर। और यहाँ पर सामने कट रहा है शुक्ला, ट्राली भराने आ रही है, बस थोड़ी सी कर ली है, तो चलते पास में। और यहाँ पर हमारा कुआं है, इसमें अभी पानी कम हो गया है। और जो पंजाबियों की ट्राली रहती है आप देख सकते हो कितनी बड़ी रहती है, और उसका टायर आप साइज देखिए। तो अभी चलते फार्म पर, ये भैया बैठ चुके हैं ट्रैक्टर पर, क्योंकि ट्राली भराने आ रही है, इसलिए ये ट्रैक्टर है। अभी स्टार्ट करेंगे वो ट्राली, बस हॉर्न बजा देंगे ट्रैक्टर है भरा देगी, तो ये जाएंगे अभी वो ट्राली फांद के यहाँ पे अपने बाहर ही डालेंगे, कि गोडाउन तो पूरा भर चुका है। और अभी ये ट्रैक्टर भी आप देख सकते हैं बहुत पुराना है, अभी स्टार्ट होएगा जब भी दिखाएंगे ऐसे। यहाँ पर इसमें अलग सिस्टम था, ये अब ये चाबी देख सकते हैं, ये चाबी इसमें लगाते हैं और स्टार्ट करते थे ऐसे। अभी तो इनने वहाँ से कर लिया सिस्टम पूरा, कहाँ से चालू होता है ये, यहाँ से होता है, वरना पहले वहीं से ही होता था। हाँ वहीं से ही होता है, कभी कभी चालू नहीं होता वहाँ से, तो यहीं से ही कर लेते हैं चालू, कर दिए। और एक ट्राली जो शुक्ला है वो डाली है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर पानी भी डाल दिया है, ताकि उड़े ना, हवा चल रही है ना गाइस, तोड़ नहीं जाए जी भाई। अब ये दोनों चीज़ मिक्स खिलाएंगे, अब देख सकते हो मतलब कितना अच्छा लग रहा था, और ढेर कितना बड़ा लग रहा है, इससे भी बड़ा ढेर है। ट्रॉली भी कर ली होगी क्योंकि अंदर से पूरी, भाई बहुत बड़ी ट्रॉली है, दिखता नहीं है। सो यहाँ पर मैं खेत में जा रहा हूँ, अभी उनने ट्रैक्टर ऊपर कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इंडियर जो रहता है, इससे मतलब ये रीपर चलाते हैं, इस जॉइंटर से मतलब पूरा सिस्टम इस पर जाएगा, जितना भी कुछ लेके आते हैं 1-2 रीपर, ये सब इस पर ही ले जाएंगे जॉइंटर। उनका मॉडल है ये मुझे नहीं पता, ये पूरी रीपर रहती है, ये पाइप इसका जिससे सुखला जाता है, यहाँ से हार्वेस्टर जैसा सिस्टम ही रहता है। मतलब वो ब्लेड तो नहीं दिखा पाऊँगा आपको, जो मैंने कल दिखाई थी, पूरा वो रहता है, ये ट्रॉली में ले जाए। ये अंकल हैं मतलब मेरे पापा के दोस्त हैं, तो याद है हर बार, इनने भी इस बार ही काटा है।
लाइक करने का बोल रहे हैं अंकल, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का। वही इसको ऊंची जगह पे इसलिए खड़ा करें ताकि ट्रॉली में आसानी से चढ़ जाए। इसकी मतलब छत भी निकाल के पूरा रख दिए अंदर। मॉडल बहुत पुराना है, मतलब ट्रैक्टर का पंजाब में मिलता है ज़्यादातर, अब एमपी में तो ज़्यादातर ये ट्रैक्टर नहीं दिखते, पंजाब में ही दिखते। मतलब ये जाली में जो शुक्ला के घेसा फंस जाता है उससे ट्रैक्टर बंद हो सकता है, इसलिए ये जो साफ करने के लिए रखते हैं तो ट्रैक्टर रोक रोक के साफ भी करते हैं काटते काटते। ये देख सकते हैं आप, घेसा जम गया इसमें, तो अभी अंकल साफ कर रहे हैं। अंकल यहाँ से कितने किलोमीटर है आपका घर? यहाँ से 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर अंकल को जाना है यहाँ से। तो दिन रात चलाओगे अंकल आप ट्रैक्टर? दिन रात चलाएंगे अंकल ट्रैक्टर। और अंकल आपका नंबर क्या है? 9 7 9 7 3 8 1 3 8 1 2 2 0 0 0। ठीक है, तो आपको किसी भी, मतलब अभी तो ये नहीं, अभी जा रहे हैं घर। अगर पिछले साल आपको कटवाना रहे किसी से भी, तो अगर आप हमारे घर के आसपास हो तो इनको कॉल कर सकते हो आप। अंकल कितने में ट्राली काटते हो? 1800 रुपये एक ट्राली। एक ट्राली मस्त, ये नया जो इंडियन लाए थे अंकल, इनका हर बार ही नया लाते ट्रैक्टर, क्योंकि फिर आफत आ सकती है। आफत बंद नहीं होना चाहिए मतलब मशीन, इस कारण नया ही लाते अंकल। ट्रैक्टर अंदर जाने के लिए रेडी हो चुकी है ट्राली, यहाँ पर खड़ी कर ली है। पहले आगे लेके फिर रेस में आने था ना, रेस में आने के चलेगी भाई अंदर। तो भी एक शॉर्ट के लिए वीडियो बना लेता हूँ, तो अभी ये अंकल अपनी बाइक चढ़ाएंगे रीपर पर। अभी भाई अंकल चढ़ रहे ऊपर, बुरा लगा रहे हैं इधर साइड से, ये बाइक चढ़ाएंगे ऊपर। इसमें से अभी पेट्रोल कुछ नहीं निकाला है इनके भाई। तो अभी अंकल जा रहे हैं, पूरा ट्रैक्टर मतलब रेडी हो गया, अब जा रहे हैं अंकल घर, खाना आना खा के नहा धो के अब निकल चुके हैं आज। ये देख सकते हो आप कितना लंबा पूरा बंधा है इनने, ऐसे ही जाएगा पूरा 1100 किलोमीटर ऐसे ही चलाना पड़ेगा इनको। सो अभी आप आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, ऐसे ही जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर गाय पूरा रिलैक्स करके अभी बैठी है, ये हमारी बड़ी भैंस। और ये देख सकते हैं आप, ये इधर की पट्टी पूरी बैठी है और इधर इनको पानी पिला रहे, लाइट चली गई अभी इसलिए बंद हो गई मोटर। पहले इनको पिला देंगे वहाँ तक नहला के पूरा अच्छे से क्लीन करके, और फिर इनको पिलाएंगे और नहलाएंगे इनको भी और क्लीन कर देंगे इनके नीचे भी। और जो नया जो काफ है हमारा पीछे बंधा है, इस बछड़ी को भी पीछे बांधा है हमने, हमारे घर की फर्स्ट टाइमर। काफी शानदार अड्डर लगाया है इसने। और इधर हमारी जो जनी थी वही गाय है, यहाँ की बैठी है, झाला बैठी है, ये सब रिलैक्स बैठी हैं। और अंकल उन जो थे वो जा चुके हैं, यहाँ से आपको दिखा पाऊँ तो पहुँच पर ये सब देख सकते हैं आप, इनको रिलैक्स मतलब पूरी अच्छे से हो चुकी है।
अभी पानी पी लेंगी, उसके बाद बैठ जाएंगे फिर। अभी हम भी, मैं भी खाना खा के सोऊंगा।